ऐसे होती है कुछ लोग, पता है अपनी लाइफ में कैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में कभी खुश नहीं होते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशी में भी खुश होते हैं, अपने गम का दुख तो बाद में मनाएंगे, पहले दूसरों की खुशी में खुश हो लेते हैं। और कुछ ऐसा ही नजर आया रुबीना दिल्ले के अंदर, कैसे, चलिए एक ऐसी चीज बताती हूँ, इंसिडेंट बताती हूँ, जिससे आपको भी लगेगा कि रुबीना दिल्ले अपनी हार से तो बाद में मायूस हुई है लेकिन राहुल की जीत में पहले खुश हुई है। नमस्कार, मैं मुरुदन ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। कल जब सेक्स वाला टास्क चल रहा था तो उस सेक्स वाले टास्क के अंदर जो बैग्स डालने थे, जो चीजें डालनी थी, इसमें राहुल वैद्य की काउंटिंग जो थी वो बहुत ज्यादा आई थी, यानी कि 40 के आसपास थी, वहीं पर रुबीना दिल्ले की 30 के आसपास थी। रुबीना दिल्ले वही विंडो पे टंगी हुई थी ऐसे ही ये इंतजार में कि कितना है कितना नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा ही था ये वाली बात कि हाँ भाई राहुल वैद्य के ज्यादा है और रुबीना के कम है। अब इस बात पर जैसे ही राहुल की काउंटिंग हुई, राहुल का 40 आया, राहुल ने इसे उड़ा के फेंका और उनको लगा यस यस मैं ही हूं विनर। तो यहाँ पर इस बात पे जैसे उनको लगा ये चीज है, तो रुबीना दिल्ले जो है उनकी खुशी को देखकर स्माइल पास करती हुई नजर आ रही है, वो एक बार भी कुछ बोलती भी नजर नहीं आई कि हाँ ये गलती है, ये है, वो है, ये चीटिंग करी, 3 गोली के लिए तूने मेरे से लड़ाई करी, ऐसा कुछ नहीं किया रुबीना ने। रुबीना सिंपली स्माइल पास कर रही थी। लेकिन एंड में जब पारस छाबड़ा ने अपना डिसीजन दिया और उस डिसीजन में एकदम मूव कर गया, सीन पलट गया, जहां पर रुबीना फिर भी स्माइल करती रही, तो वहीं पर अपोजिट राहुल वैद्य, आली गोनी, ये सब जो है क्रिप करने लगे, यानी कि चिल्लाने लगे हैं। सो गाइस, मैं इसलिए कहती हूँ कि राहुल वैद्य भी जीत रहे थे तो भी रुबीना दिल्ले खुशी थी, क्योंकि रुबीना दिल्ले के हाथ वैसे भी कुछ नहीं आने वाला था। तो यहाँ पर देखिए, कहीं पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि पार्शियलिटी है या ऐसा कुछ है। बाकी आप लोग हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कि आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से रुबीना दिल्ले के फैंडम जो है इतना ज्यादा बढ़ता है। राय नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही सारी खबरें ऑन टाइम।